नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और मैं हूं आपके साथ कहकशां पल्लवी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन बुधवार को हो चुका है। इस भव्य भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किया गया, साथ ही भूमि पूजन में सीएम योगी भी मौजूद रहे। राम मंदिर का शिलान्यास तो हो चुका है, लेकिन इसी बीच सीएम योगी ने अयोध्या में 5 एकड़ जमीन पर बनने वाली मस्जिद पर एक बड़ा बयान दिया है। वही मस्जिद जिसकी 5 एकड़ जमीन कोर्ट ने दी थी, ये जमीन अयोध्या से कुछ किलोमीटर दूरी पर है और यहीं पर मस्जिद बनने की बात कही जा रही है। राम मंदिर शिलान्यास के बाद अब मस्जिद निर्माण में सीएम योगी मौजूद होंगे या नहीं, इस सवाल पर सीएम योगी ने क्या कहा है, आज हम इस पर ही बात करेंगे। दरअसल राम मंदिर शिलान्यास के बाद सीएम योगी ने एक खास न्यूज चैनल से बातचीत की। इस बातचीत में सीएम योगी ने कोरोना, राम मंदिर और मस्जिद निर्माण जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी और बात की। इसी बीच सीएम योगी से एक पत्रकार ने सवाल किया कि विरोधी कह रहे हैं कि आपने सभी धर्मों के लोगों को भूमि पूजन में बुलाया और सब आए भी, लेकिन आने वाले दिनों में जब अयोध्या में मस्जिद निर्माण शुरू होगा तो कहा जा रहा है कि सीएम योगी वहाँ नहीं जाएंगे। इसका जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि मेरा जो काम है वो काम मैं करूँगा, मैं हमेशा अपने कार्य को कर्तव्य और धर्म मानता हूँ, मैं जानता हूँ मुझे कोई बुलाएगा ही नहीं और ना मैं जाऊँगा। अब सीएम योगी के इस बयान के बाद सियासत भी तेज हो गई है, साथ ही कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतने वाली पार्टी के बड़े चेहरे और बड़े नेता कहे जाने वाले सीएम योगी मस्जिद निर्माण में जाने से साफ इनकार क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दिए जाने का फैसला किया था। वहीं यूपी सरकार ने भी 5 फरवरी को ही अयोध्या जिले मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूरी पर 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए आवंटित भी की थी, लेकिन अब खुद ही सीएम योगी का साफ इनकार करना कि वो मस्जिद निर्माण में जाएंगे ही नहीं, क्या दर्शाता है? आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।